गुड मॉर्निंग गाइस। और ये सामने हमारी गाड़ियाँ खड़ी हैं बर्फ़ में, पानी भी जम गया है तो स्लिपरी हो रखा है। 3 दिन हो गए बर्फ़ को देखते देखते, पिघल ही नहीं रही, ऐसे के ऐसे ही है। गाड़ियाँ भी एकदम ठंडी हो जाती हैं सवेरे, नीचे से भी इसमें सब पानी और वो लग के टेम्परेचर बहुत डाउन हो जाता है स्टार्टिंग में, इसी वजह से प्रॉब्लम आती है। अभी फ़िलहाल तो मैं आया हूँ बोनट खोलने, गाड़ी का बोनट खोल देता हूँ ताकि थोड़ी धूप लग जाए और स्टार्टिंग में परेशानी ना हो। आज के ब्रेकफास्ट में भाई तुप्पा, और भाई साहब की शक्लें देखो कैसे बना बना के खा रहे हैं ना, स्वाद आ रहा है भाई? ऐसी शक्ल बन रही बहुत शानदार है। ये आपका भी ले लूं मैं? मगुना भरा रखा है वो ले लो, ये पैक कराओ घर के लिए। चलो। और यहाँ पे जा रही है अपनी ये वॉल्वो। वॉल्वो आए ना आए, काटो मत। एक बार आगे ले लो, फिर जान दो। खेत के कूलेंट कूलेंट का खेल है, उसमें है ही क्या। भाइयों ने इतना मोटिवेट किया कि हमने भी देखो बर्फ में घुसाई थी अपनी गाड़ी। ये देखो आज तो भाई क्या बोलते पब्लिक। अरे भाई गैल बैठा के ले जा रहा है, देखो बस आज तो। अरे आप जब पकड़ के पकड़ लेना यादव जी, गिर जाओगे सर आप। नहीं गिरेंगे पक्का। सीरियसली उतर जाओ। चलो फिर रोक दो, रोक दो, फिर मजाक नहीं। टाइम में एक चीज होनी चाहिए। आज हमारे इवेंट का 6ठा दिन है और आए हैं हम लोग यहाँ पे एक फ़ोटो शूट के लिए। प्रॉपर स्नो में गाड़ियाँ लगा दी है, पास में नदी बह रही है और हमारी गाड़ियाँ, ये हमारी फॉर्चुनर जो रोज़ फंस जाती है, फिर रोज़ इसको धक्का मारते हैं या फिर फंसा देते हैं। भाई तो विक्रम जी आपका एक छोटा सा वो चाहेंगे हम। यार मैं भी आरजीसी पे लाइव हूँ। आप आरजीसी बताओ तो पहले अपना भाई, कैसा लग रहा है आपको ये रोहित यादव जी हमारे? मेरे को तो बहुत ही अच्छा लग रहा है और मतलब नेक्स्ट लेवल है। ऐसा एक्सपीरियंस आप अकेले में तो नहीं कर सकते, ग्रुप पूरा साथ होता है तो आप कॉन्फिडेंस में रहते हो और उसी कॉन्फिडेंस की वजह से आप ये सब करने में मतलब हिचकते नहीं। अपन थोड़ी सी ऑक्सीजन की प्रॉब्लम है चल चल के। ये हमारे जंकेश सर है जिन्होंने न्यू कार ऑटोमेटिक पेट्रोल से चेंज किया। सर क्या बताना चाहोगे आप? ये भाई हमने अपना सेटअप लगा दिया कैंपिंग का और टेंट्स लगा दिए हैं, अब हम यहीं पर रुकेंगे थोड़ी देर और स्नो के बीच में कैंपिंग का आनंद लेंगे। और भाई यहाँ बर्फ़ जम रही है, ये देखो बर्फ है ना। और ये भाई लोग देखो नेक्स्ट लेवल भाई,
ठंड नहीं लग रही। दूसरा शॉट नहीं देने वाला, मिस कर दिया आपने पहला शॉट। पहला शॉट मिस कर दिया, चलो दूसरा ले लिया। अजय जी, अरे वो देव, ठंड थोड़ी लग रही है। नहीं नहीं ठीक है, अच्छा है, बहुत ज्यादा नहीं। पांव को देख सकते हो कहां से कांप रहे हैं। हां आप भी चलो, चलो अब मैं तन्नो छोड़ तो मैं गया हूं। आखिरी स्नान अजय आ गया डायरेक्ट दिन में बजे। बाकी एक बार कूदने में सर्दी नहीं लगती, खूब लगती है, खूब लगती है। हाँ, जाके देखो तो सब कहने की बात, जम जाओगे भाई साहब। कहने की बात है, वो गाड़ी गेम में लो। अरे मार के ओए बोला, जस पीते जस पीते पीते। अरे कमा दे मार। अरे बाप रे, अरे आ जाओ, बस 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 बस। आज तक की हिस्ट्री में कोई नहीं आया ना भाई, यहाँ कोई नहीं आया भाई आज तक की हिस्ट्री में। और देख लो भाई, इनके लिए तो एक एक सर्टिफिकेट बनवा देना यार। लास्ट टाइम भाई जब सितंबर में आया था तब मैं यहाँ रुका था हॉस्टल में, और अभी आप देखो ये लोग इसको बंद करके वाइंड अप करके अपने नीचे चले गए हैं। और यहाँ पूरे इसके मैदान में पार्किंग में बर्फ़ जमी हुई है और ये बंद पड़ा इस टाइम इंटरस्पिति में। पहले तो जाएंगे हम लोग हिक्किम, जहाँ पे वर्ल्ड का हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस है, वहाँ से देख के फिर लांगजा जाएंगे और कॉमिक जाएंगे। ये तीनों पॉइंट्स आज हम कवर करके फिर नीचे अपने होम स्टे में जाएंगे। अभी फिलहाल हम रुके हैं यहाँ पे, एक पॉइंट है जहाँ से पूरा काजा शहर नज़र आता है नीचे। अगर मोबाइल के कैमरे में जितना दिखाई देगा वो दिख जाएगा, नीचे पूरा काजा शहर है और वहीं से अभी हम ऊपर चढ़कर आए हैं। आप हाइट देखो, यहाँ से देखने में भी डर लग रहा है, दहशत हो रही है एकदम। ये भाई काजा का व्यू है ऊपर से, मोबाइल से ले रहा हूँ इसलिए प्रॉपर शायद नहीं आ रहा होगा, लेकिन जितना जूम हो सकता था वो मैंने कर दिया मोबाइल से। ये है व्यू ऊपर से, बहुत ही शानदार व्यू। ये भाई पहुँच गए हम हिक्किम, द वर्ल्ड हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस। लेकिन क्या है, पोस्ट ऑफिस हम जाएंगे नहीं, नीचे जाएंगे तो थक जाएंगे अपन, तो यहीं से आप लोग। हाँ आई नो, ये हमारे विक्रम बनना हिम्मत कर रहे हैं, ये जाएंगे यहाँ से और वो रास्ता जा रहा है नीचे। ये हमारे अर्जुन बनना पहुँच गए हैं हाईएस्ट विलेज इन द वर्ल्ड कनेक्टेड विद मोटरेबल रोड, और विलेज का नाम है कॉमिक विलेज। 4587 मीटर हाइट पर है ये, और 2 मिनट यहाँ रुकेंगे फिर निकलेंगे आगे लांगजा की तरफ। अरे विक्रम बन्ना, आप फोटो नहीं खिंचा रहे, इतने ऊपर आए हो गाड़ी लेके मोटरेबल रोड। एक्चुअली मैं फोटो खिंचाने के लिए बंदा रखा हुआ है। अच्छा, वो आपके बदले फोटो खिंचा लेता है। धर्मेंद्र बन्ना मैंने हायर करे हैं, तो वो फोटो खिंचाते रहते हैं, आपकी जगह खिंचा लेते हैं फोटो, और फिर आप बाद में मुंडी काट के अपनी लगा देते हो। नहीं जरूरत नहीं। अच्छा सर, क्या है कि अभी थोड़ी सी भीड़ है, आप लोग थोड़े आगे मूव होंगे, उसके बाद में हम लोग 5 मिनट में जाएंगे। ठीक है, भाई पहुंच गए हैं लांगजा। टाइम हो रहा है लगभग 5:45 का और टेम्परेचर हो रहा है -10 डिग्री यहाँ पे इस टाइम। सामने बुद्धा जी की मूर्ति है, देखें मोबाइल पकड़ रखा हाथ में, और भाई हाथ तो ऐसे सुन हो गए जैसे है ही नहीं। ठंड हो रही है जबरदस्त। हुआ है? अरे हम ही रह गए पीछे। ये भाई गाड़ी की हालत देखो, ना नंबर दिख रहे ना पता चल रहा, मिट्टी मिट्टी चिपक रही पूरी में, कुछ नहीं दिख रहा, सांस भी फूल रही है यहाँ पे, हाइट इतनी है। और आज एक ये देखो, ये अभी धोएंगे तो पता चलेगा कितना गहरा स्क्रैच है ये। ये भाई ऊपर सब देख के आ गए हैं नीचे स्पीति, और
ऊपर का टेम्परेचर तो -10 था, यहाँ टेम्परेचर फिर भी बियरेबल है। अब जाएंगे अपने होम स्टे और रेस्ट करेंगे, सुबह यहाँ से निकलेंगे कल्पा के लिए। तो कल सुबह जाएंगे कल्पा, एक दिन वहाँ रुकेंगे, फिर वहाँ से डायरेक्ट जयपुर।